हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो था बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ओके, माय सीक्रेट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको ब्रेकआउट का नॉलेज नहीं है, ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेते हैं या ब्रेकआउट क्या होता है, तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो आज के वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे, पैटर्न ब्रेकआउट। ओके, कौन सा पैटर्न, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के पैटर्न के बारे में बताएंगे, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। ओके, और गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे ऑप्शन कॉल्स, श्योर शॉट एकदम। ओके, श्योर शॉट रिपोर्ट वगैरह मिल जाए। और हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, आप ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो, मिनिमम फीस पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर। चलो बकवास बहुत हो गया, अब सीधा चलते हैं। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, कैसा होता है ये ब्रेकआउट, पहले ही आपको बता रही। ये देखिए, यहाँ पर कुछ फोटो है, मैंने डाल दिया है आपके लिए। ओके, देखो कैसा होता है, कुछ ऐसा, जब चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, देखिए ऐसा। ओके, ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। तो देखिए, ये एक इंसान का मुंडी जैसा है, हेड है। ओके, ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। ओके, इसको आप बोलते थे फर्स्ट शोल्डर और इसको बोलते थे सेकेंड शोल्डर। और ये जो है, ये है नेकलाइन। ओके, जैसे हमारे होते हैं गर्दन, गर्दन में सब कुछ होता है, यहाँ पर मतलब शोल्डर भी एडेड है, हेड भी एडेड है, तो ये है नेकलाइन। तो नेकलाइन जब ब्रेक होगा, हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है नेकलाइन, तो आपको ये जानना जरूरी है, जब ये नेकलाइन को ब्रेक करता है तब हम ट्रेड लेंगे। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो डाउन साइड में हम, ओके, बियरिश होता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम ट्रेड लेते हैं, मतलब सेल साइड में आते हैं। ओके, और एक होता है इन्वर्टेड, इसको ही अगर उल्टा कर दूँ तो हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, ये हो गया फर्स्ट शोल्डर, मतलब कौन सा, लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये है राइट शोल्डर, सेकंड शोल्डर, और इसका नेकलाइन हो गया ऊपर। तो जब इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तब क्या होता है, मार्केट बाइंग साइड में आप जाते हैं, ऊपर पॉजिटिव मार्केट होता है। ओके, आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर तो बता दिया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा होता है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यह है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आपको ये इस फाइन कहाँ पर करना है, चार्ट पे कैसे फाइन करेंगे, उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज का जरूरत होगा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं शेयर मार्केट में, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके सामने ऐसा पैटर्न बनेगा तब भी आपको दिखाई नहीं देगा चार्ट पे। ओके, तो आपको अभी चार्ट पे जाकर दिखाते हैं, चार्ट का पहले फोटो है मेरे पास, फोटो में आपको दिखाते हैं। ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाते हैं पहले। देखिए चार्ट पे आपको ऐसा मिलेगा कुछ पैटर्न, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, ओके, जूमिंग के लिए। देखो इसको, तो देखो यहाँ पर कैसा, ऐसा आपको, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको बस ऐसा ऐसा कैंडल दिखेगा, तो आपको यहाँ पर फाइन करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ, जैसे मैंने ड्रॉ किया, देखो ऐसे आपको ड्रॉ करके फाइन करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये बन गया शोल्डर, ये बन गया हेड, और ये बन गया एक शोल्डर। ओके, फर्स्ट शोल्डर, सेकेंड शोल्डर, हेड, और ये बन गया हमारा नेकलाइन। इसको ब्रेक किया, देखो ब्रेक करने के बाद हमने एंटर किया, और देखो कहाँ तक प्रॉफिट हुआ, देखो कितना नीचे तक आया प्रॉफिट, देखो कहाँ तक आया, देखो कितना ह्यूज प्रॉफिट। तो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। ओके, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को तो आपको बाय करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली कॉमेंट करके जरूर पूछना। ओके गाइज, तो आपको बस करना है नेकलाइन को ब्रेक होने के बाद आपको वो सेल करना है। ओके, जो कैंडल नेकलाइन को ब्रेक कर गया, ये वाला देखो, ये वाला कैंडल जो है रेड कैंडल नेकलाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना है, तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है। आपको सेल कब करना है, ये जो कैंडल ब्रेक किया है, ओके, ब्रेक किया है मतलब ये वाला जो रेड कैंडल ब्रेक किया है, इसके लो के नीचे कैंडल बनना चाहिए, मतलब इसके नीचे जो कैंडल बनेगा उस पर आपको सेल करना है या शॉर्ट करना है। इसके नीचे कौन सा कैंडल बना है, ये वाला कैंडल, देखो ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इस कैंडल पर आप सेल करोगे। ओके, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा, इसके बिल्कुल नेकलाइन के बिल्कुल ऊपर ही होगा आपका स्टॉप लॉस, और आप सेल करके बिंदास बैठ जाओगे। ओके, और टारगेट आपको चाहिए तो टारगेट आप कितना कर सकते हो,
नेक लाइन से हेड तक जितना होगा, ओके, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा डिस्टेंस, मतलब जितना प्राइस होगा, जितना पॉइंट्स होगा, उतना ही पॉइंट्स डाउन साइड में आप टारगेट बनाएंगे आपके लिए, ओके। और गाइस हाँ, स्टॉप लॉस को ट्रेड करके रखना, ओके। तो अब बताते हैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में कुछ। तो आते हैं, ओके, थोड़ा सा जूम इन कर लेते। तो गाइस देखो, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर हम कैसे फाइन करेंगे, सिंपल है एकदम, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। देखो देखो देखो, बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर, और ये हमारा बन गया नेक लाइन। देखो, ये बन गया शोल्डर, ये बन गया हेड, और ये बन गया शोल्डर, ओके। जो हेड होता है वो बड़ा होता है शोल्डर हेड से, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ, ओके। एक शोल्डर थोड़ा सा छोटा, ओके, उसके बाद एक शोल्डर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बस हेड से शोल्डर बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका जो मतलब डिस्टेंस है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, एक एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, बट इसका जो हेड है, हेड से शोल्डर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यही मेन बात है। तो यहाँ पर तो आपको दिखा दिया, सॉरी, ऐसे आपको चार्ट पे फाइन कर लेना पड़ेगा, ओके, आँख से दिख जाएगा। अगर आपके पास ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे टूल यूज़ करके सीधा ड्रॉ भी कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। तो देखो, ये नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल, इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद इसके जो नेक्स्ट कैंडल है, इसका हाई को ब्रेक किया, तो इस कैंडल पे आप एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हो, या जो कैंडल ब्रेक किया है उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एकदम सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेड है। अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट पे ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए, ओके। मैंने ऑलरेडी ढूंढ के नहीं रखा है, लोग वीडियो बनाने से पहले ढूंढ कर रख देते हैं, बट थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है तो ढूंढ के मैंने नहीं रखा। तो अब जाएंगे डायरेक्ट चार्ट पे और जाकर कोशिश करेंगे फाइन करने के लिए, ओके। तो हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे पहले फाइन करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ओके। तो आप स्किप मत करना वीडियो को, बिल्कुल ध्यान से देखना, ओके गाइस। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी तो मज़ा आएगा ना। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कभी कभी ऐसा होता है जानने के बाद भी हमको नहीं मिलता है। तो मुझे एक यहाँ पर मिला है, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ओके, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये एक है, ओके, एक मिनट, तो अगर मैं देखो ऐसे ड्रॉ करूं, ओके, ये बन गया हेड एंड शोल्डर, ये बन गया शोल्डर, ये है हेड, और ये है एक छोटा सा शोल्डर, और ये बन गया इसका नेकलाइन। जो नेकलाइन है, दोनों शोल्डर एंड हेड का जो कनेक्टेड पॉइंट है उसको उस पर ज्वाइन कर दीजिए, आपका बन गया नेकलाइन, ओके। तो देखो, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ क्या, ब्रेक नहीं हुआ, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेड नीचे यहाँ पर नहीं हुआ, ओके। और ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ध्यान में रखना सब कुछ, ओके। तो नेक्स्ट देखते कोई पैटर्न वगैरह और दिखते हैं क्या, ऐसे फाइंड करना होगा आपको खाली आँख से, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी देखते हैं, दिख जाएगा तो आपको ज़रूर बता दें, आप भी देखिए, देखते रहिए। यहाँ पर भी मुझे और एक दिख रहा है बड़ा सा, देखिए आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं गाइस। देखो, अगर मैं यहाँ से लूँ, ऐसे करूँ, कुछ ऐसे करूँ, तो ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसका नेकलाइन कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे, ओके। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने के लिए कोशिश करते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ से कट करते हैं हम ड्रॉ, देखिए शोल्डर बना दिया, इसका हेड बना दिया, इसका दोबारा शोल्डर बना दिया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा एक शोल्डर बना दिया, तो इसका जो नेकलाइन होगा, कनेक्टेड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो हो गया, यहाँ पर भी कनेक्ट है, यहाँ पर भी कनेक्ट है, और यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन दे दिया है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एंटर करते तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना बस का प्रॉफिट मिलेगा हमको, काउंट करके आपको दिखाते हैं, ओके। देखिए इस पॉइंट पे ये जो रेड कैंडल है, इसने हमको ब्रेकआउट दे दिया है, जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये वाला जो कैंडल है इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, इसके लो के नीचे हम बाय करते हैं, तो इस कैंडल पर बाय करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हमको मिल जाता। तो देखते हैं कितना मिलता, एक बार स्केल से हम कैलकुलेट करते हैं, ओके, इस कैंडल से
ओके गाइस, कितना 252 पॉइंट्स का, 252 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। ओके तो 252 पॉइंट्स का दिया है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी 252 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं और कोई है क्या, ऐसे ही फाइन करना पड़ेगा चार्ट पे। जब फाइन करते रहोगे आप, एक काम करना है, इस पे एक्सपर्टीज बनने के लिए आप रेगुलर 10 चार्ट्स, ओके रेगुलर 10 चार्ट्स पे फाइन करना है हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके, और उसको मार्क करके रखना, और नेक्स्ट डे जो होगा वो आप वहाँ पर ट्रेड करना और मुझे बताना। और गाइस हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके जरूर बताना कौन कौन सा आप स्टॉक के चार्ट पे मतलब फाइन किए हो। ओके इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल भूलना मत। और बाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह आप अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, बहुत अच्छा खासा जो स्ट्रेटजी वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ हूँ। तो अभी यहाँ पर है क्या, ये हो सकता है क्या, देखते हैं। ओके गाइस, ये नहीं बनना। ओके तो अभी और दोबारा फाइन करते हैं। एक तो आपको दिखा दिया, दो दिखा दिया आपको शायद, ओके एक और दिखा देते हैं, फाइन करते हैं। फाइन करना दिक्कत होता है यही, जब मतलब हम ऐसे नहीं करते कि हम जब एनालाइज करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको चाहिए, ऐसे हम एनालाइज नहीं करते, हम एनालाइज करते रहते हैं वहाँ पर, अगर हमको दिख जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो वो हम मार्क करके रख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। ये बनता है क्या, देखते हैं एक बार। ओके गाइस, तो बनता तो है बट नहीं, नेकलाइन ब्रेक ही नहीं हुआ तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये एक है देखते हैं छोटा सा, ओके कुछ ऐसा, ये एक है छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपको एकदम अच्छा सा साइज का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके आपको बस फाइन करना है कैसे भी हो, तो ये भी हो सकता है एक, ये नहीं बनेगा। देखते हैं गाइस, एक मिल जाए बाकी काम खत्म। ये यहाँ पर एक बन रहा है शायद, नहीं ऐसा तो बन गया बट इसका वो नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा बन रहा है, देखो गाइस, ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाया। देखो ये एक पैटर्न है, ये इसका नेकलाइन है, और नेकलाइन ब्रेक हुआ और देखो नीचे कहाँ तक आया, देखो कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। ओके तो गाइज मैंने दिखा दिया, बाकी आपको खुद से भी फाइन करना है। मैंने आपको दिखा दिया लाइन चार्ट पे भी कैसा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये नॉर्मल चार्ट पे भी दिखा दिया, फोटोज पे भी दिखा दिया, तो बस बाकी आपका काम है, इस पे एक्सपर्टीज आपको बनना है, आपको फाइन करना आना चाहिए। फाइन करोगे उस पे ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है वो मैंने बता दिया है, टारगेट कितना रखोगे वो भी मैंने बता दिया है, और आपको क्या चाहिए बस आपको बाय करना है मार्केट ऑर्डर पे, और कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक कैंडल है जिसने इसके नीचे आ चुका है, मतलब कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, इसके नीचे आ रहा है, आप तुरंत बाय कर लिया और स्पाइक बनाकर नीचे ऊपर चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा, ऐसा मत करना। कन्फर्मेशन के बाद ही हमेशा बाय करना, और विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी मार्केट में काम ही मत करना। ओके गाइज, तो अगर इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हो रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है, तो काइंडली लाइक जरूर करना वीडियो को, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। हैव ए गुड नाइट।